हमें यहाँ का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यहाँ का पहचान पत्र नहीं है हम लोगों का, क्योंकि यहाँ का 12 राज्य का इंसान रह रहा है। और हरियाणा सरकार यही कह रहा है जो हम जो हरियाणा का है उसी को हम देंगे, तो बाकी बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी का भी तो पैसा लगा है, बाकी कहाँ जाएंगे? अभी ना हम लोगों के पास लाइट नहीं है, जब से ये कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला आया तब से हम लोगों का लाइट भी कटा हुआ है, पानी भी बंद करके रखा है। ना हम लोगों के पास अभी पानी है ना बिजली है। पानी का टैंकर मंगवा उस दिन मंगवाए हैं, एक हफ्ते पहले हम लोग किसी भी तरह मंगवाए टैंकर, वो भी पुलिस वाले आके पकड़ के लेके चले गए। न लाइट देते हैं ना पंखा देते हैं सरकार, और हम बच्चों के साथ कैसे रह रहे हैं? पीछे का घर टूट गया हमारा, बस थोड़ा सा चद्दर उधर डाल के गुजारा कर रहे हैं। और देखिए सरकार बस ये चाहती है ना यहाँ का पानी भी आना बंद करा दिए और ना किसी को जाने देते हैं, बस ये कहते हैं कि खाली कर दो। अब जिन्होंने गरीब मजदूरी कर करके हमने यहाँ तक पहुँचे, अब इस मजबूरी में हम ये सब छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे बताइए? तो इसीलिए सरकार से तो यही दरखास्त कर सकते हैं ना कि हम गरीबों को थोड़ा देखें, हम उनको जिताते हैं किस लिए, कि हमारे लिए कुछ अच्छा करें। इसलिए बस अब यहाँ के जो भी सरकार बने या बनाए तो ये है कि थोड़ा गरीबों को ये झुग्गी झोपड़ी से ना भगाएं, और भगाएं तो उन बेचारों के लिए कुछ सोचें, क्योंकि बारिश होती है तो हम बच्चों के साथ कहीं पन्नी ओढ़ के बैठ जाते हैं, पानी टपकता है तो उसमें क्या करेंगे, रात को जाए तो जाए कहाँ। तो हमारा पूरी दुनिया के अंदर एक फॉलो है और एक चीज़ है कि हम सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहें, अजमत के साथ रहें, बड़ाई के साथ रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें। अभी हमारे पे संकट आया इस कॉलोनी के अंदर, बहुत पुरानी 1977 की कॉलोनी बनी हुई है और हमने यहाँ मजदूर लोग रहते हैं, अपना एक एक पैसा करके हमने इसके यहाँ जोड़ा, और जोड़ने के बाद हाँ जब हमारे बच्चे भी नहीं थे, शादी भी नहीं, अब बच्चे हो गए, शादी हो गई, अब बताओ अब जब उनके शादी का नंबर आया, अब हम बड़े हो गए, हम बूढ़े हो गए कमाते कमाते दोस्त, अब यहाँ की गवर्नमेंट कह रही है और यहाँ के लोग प्रशासन के लोग कह रहे हैं हमें दबाव डालने में, इसको खाली करो, इस कॉलोनी को खाली करो। तो मेरे दोस्त बताओ सारी ज़िंदगी हमने यहाँ लगा दिया, अपने मजदूरी कर करके अपना एक एक पैसा जोड़ के हमने यहाँ मकान बनाए, अपना घर बनाया, अपना एक ठिकाना बनाया, एक सहारा बनाया। सर 22 तक के बोल रहे थे सभी को झुग्गी का मकान मिले, सभी का मकान मिलेगा, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि गरीबों के हट रही है, गरीबी हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, गरीबों के हटाने की बात कर रहे हैं।